नमस्ते दोस्तों, माही विलेज में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम आपके लिए ऐसे टिप्स लाए हैं जो शायद किसी ने बताया होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लहसुन बहुत ज़्यादा जब छिलने में होता है तो फिर दिक्कत होती है। लहसुन को ऐसा छिलना है, बीच से हमें कट करना है और फिर इस तरह हमें निकालते जाना है। इससे क्या है कि लहसुन को हम ज़्यादा से ज़्यादा छिल सकते हैं और उंगलियों में जो हमारा दर्द होता है ना, अधिकतर लेडीज़ यही करती हैं कि हम उंगलियां जब छिलते हैं तो उंगलियों में दर्द होने लगता है। लहसुन को सेम ऐसे ही करके, ऐसे बीच से कट करके ऐसे छिल लेना है, बहुत आसानी से छिल जाता है। ये तरीका बहुत ही अच्छा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने ये सोचा आपसे शेयर करते हैं। जब थोड़ा बहुत लहसुन छीलना होता है तो हम आसानी से छील सकते हैं, बट जब ज़्यादा लहसुन छीलना होता है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि हमें जब प्याज काटते हैं ना तो आंखों में आंसू आते हैं। उसके बाद हमें करना क्या है, प्याज को हमें अच्छे से छील लेना है। इस तरह हम प्याज को छील लेंगे और जिसको प्याज में ऐसी दिक्कत आती है उसके लिए नया ट्रिक है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। इस तरह हम पानी लेंगे और पानी में प्याज को इस तरह डुबो देंगे। इसको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट आप छोड़ दो, जितना आपको आंसू आता है ना, प्याज कट करने में कभी आंसू नहीं आएगा। और जिसको प्याज छीलने में भी आंसू आता है उसको हम प्याज को ऐसे ही डाल लेंगे। आप देख रहे हैं ना, इसको ऐसे डालना है फिर छीलना है। ये तरीका बहुत अच्छा है, आंसू कभी नहीं आएंगे, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आता है अदरक। हमारी जहाँ सड़ जाती है ना, आप देख रहे हो ना, ये अदरक ख़राब हो रही है इस तरह। तो बारिश का मौसम चल रहा है इस समय, बहुत ही ज़्यादा ये दिक्कत होती है। इस तरह एक पेपर लेना है और अदरक को इस तरह फोल्ड कर देना है पेपर के साथ में। इस तरह हम अदरक को रखेंगे, बिल्कुल अदरक वैसे ही रखी रहेगी, एकदम हरी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये तरीका बहुत ही अच्छा है, मैं खुद करती हूँ। दूसरा तरीका ये आता है कि नमक, बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है, हमें डालने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं उसमें। ये करना है, फिलहाल ये नमक तो अभी सही है क्योंकि अभी ये न्यू नमक था। आपके यहाँ ऐसा होता है कि नमक अगर गीला हो जाता है ना कभी कभी बारिश में, तो अपने आप ही नमक गीला होता रहता है। उसमें करना क्या है, आपको चावल लेना है इस तरह, और चावल को इस तरह लेना है, फिर नमक के साथ में मिक्स करना है इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स करके हमें मैक्सिमम 2 दिन के लिए रख देना है। और उसके बाद में चावल क्या करेगा, जितना नमक का पानी होगा ना, सारा सोख लेगा खुद। और इसके बाद में हम छन्नी की मदद से छान सकते हैं नमक को, और नमक अपने आप नीचे आ जाता है और चावल निकल आएगा बहुत आसानी से। बहुत ही अच्छा तरीका है। और ये नेक्स्ट आता है कि इसके बाद मिर्च का, हम अधिकतर ये मिर्च जो होती है यूज़ कर लेते हैं, बट इसका छिकला ना हम मैक्सिमम फेंक ही देते हैं। इस तरह हमें छिकला सारा निकाल लेना है इसका, और ये तरीका आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये आपको अधिकतर कचरा ही लगता होगा, मोस्टली सभी फेंकते हैं। लहसुन का छिकला होता है, मिर्च का छिकला होता है और प्याज का छिकला है, मोस्टली सभी फेंकते हैं। मेरे यहाँ भी ऐसा होता है, बट मैं एक इसको अलग तरीके से यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरह पानी लेना है आपको और उसमें फिर आपको प्याज डालना है, लहसुन की जो आपने छिकला था वो भी डाल लेना है, मिर्च का छिकला डाल लेना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। फिर इसके बाद हम मैक्सिमम इसको अच्छे से डुबो लेंगे और आप 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए इसको पानी में ढक करके। 3 दिन के बाद में आप देखेंगे ना, ये पानी अपने आप इसमें कलर चेंज हो जाएगा। बस यही तरीका हमें चाहिए था, यही बहुत अच्छा है, बस ये चीज़ परफेक्ट है। इसके बाद में हम इसका जो छिकला ये है ना, इसको निकाल लेंगे। अच्छा, आपको ये तुरंत अगर ये चीज़ चाहिए ना तो इसका आप ये जो कचरा आप देख रहे हैं इसको पेस्ट बना लीजिए, फिर पानी के साथ में मिक्स कर दीजिए। बारिश में जितना आपके यहाँ कीड़ा आता है ना, जितना दीमक लगता है, जो भी जहाँ पे लगता है ना, आप कपड़े टांगते हो वहाँ के पीछे ना, और फुलवारी में कहीं भी आपके यहाँ कीड़ा लगता है, बारिश का मौसम चल रहा है, तो ये उसके लिए बहुत परफेक्ट है। फिर इस तरह आप एक बॉटल ले लीजिए, अगर आपके यहाँ स्प्रे बॉटल है तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मेरे यहाँ नहीं थी और मैं तो इसी में यूज़ करती हूँ क्योंकि मैंने तो बचपन में भी इससे पिचकारी वगैरह हम लोगों ने खेला है, तो ये मेरे घर की इतनी सिचुएशन अच्छी नहीं रही है, मैं इसी से बहुत अच्छा जुगाड़ करती हूँ। इस तरह इसमें एक छेद बना लीजिए, फिर आप इस तरह दब करेंगे ना, इस तरह आप दबेंगे तो बहुत अच्छे से ये आसानी से निकल जाता है। और साथ में ये ना बॉटल बहुत ही कमाल की होती है, अगर आपको बच्चों को पिचकारी देना है ना, होली आ रही है तो उसमें आप इस तरह ना रंग भर के भी पिचकारी उसको बना के दे सकते हैं। सो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलता है ना इस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।